हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त हैं। और हम लोग जा रहे हैं आज थोड़ा सा कोराडी माता के मंदिर दर्शन करने के लिए। और ये इधर है फुबारा तालाब, उधर का सीन आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। देखिए कितना प्यारा और सुंदर है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम भी अच्छा हो गया थोड़ा सा, मतलब सर्दियों का मौसम आ गया ना, तो अच्छा लगता है देखने में भी और कहीं जाओ तो भी। फिर भी हल्की हल्की गर्मी हो रही थी। और देखिए हेलीकॉप्टर बना हुआ है, और जिसको मतलब इधर उधर हैं लोग घूमने के लिए आए हैं। और ये देखिए कितना बहुत बड़ा तालाब है, और ये जंगल का रास्ता थोड़ा सा आता है, नागपुर के अंदर ही। और ये भी देखिए अच्छा लग रहा था, तो बस हम लोग निकलते हैं। और एक जन के यहाँ जाना भी है, वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हम उनके घर पर पहुँच गए हैं, और मौसम भी अच्छा है। थोड़ी देर इनके यहाँ रुके हम लोग, और ये है उनकी लड़की, अभी आपको दिखाते हैं, खेल रही थी। ये देखिए, और देखिए कैसे मस्ती कर रही है ये, और सुनती भी नहीं है। और हमारे पहचान के हैं एक जन के यहाँ, और मैं और वो बात कर रहे थे जिनके यहाँ गए थे दीदी के यहाँ। और ये घर बन रहे हैं आजू बाजू में, अच्छा लगता है उनका एरिया भी। और हम लोग भी, अरे देखिए जगह बहुत खाली है इनके यहाँ, लेकिन महंगा बहुत हो गया है इधर का एरिया। और इधर से थोड़ा सा कोराड़ी माता के मंदिर में पास में पड़ती है। और ये देखिए उनका बेटा भी आया, ये दोनों नीचे थे शुभ और वो, ये लोग। और देखो शुभांगी ने कैसा वीडियो बनाया, पूरा स्नान कर जा रही थी बस। और मुझे तो सर्दी भी हो गई है जम के। और ये देखिए ये लोग भाई सवर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बच्चे बहुत चिल्ला रहे थे और बातें समझ में नहीं आ रही थी। और ये देखिए शुभांगी गाय की भी वीडियो बना रही है, और उनकी बेटी को आपको दिखाते हैं। देखो वैसे उछल रही है, बहुत मस्ती करती है, पर है छोटी सी प्यारी सी, बहुत बातें भी करती है। और ये देखिए खेल रही है, और ये देखो उनकी लड़की है, और इधर खड़ा था उनका बेटा, दिखाते हैं। लेकिन अभी गाय का ये वीडियो शुभांगी बना रही है, बहुत गाय उसको पसंद है। और ये खेल रही थी, मस्ती कर रही है। और शुभांगी का भी दिखाते हैं अपना वीडियो कैसे बनाई है। फिर हम लोग उनके यहाँ से निकल के आ गए रोड, मतलब माता के मंदिर पहुँच गए हैं कोराड़ी माता के। और इधर देखिए पूरा मतलब इतना अच्छा बना, पहले भी आप लोगों को दिखाया है मैंने अपने वीडियो में। और ये देखिए शुभांगी बच्चों के साथ भी नहीं आई थी, तब मैं और मेरे हस्बैंड आए थे। और ये देखिए हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं, और मंदिर पहुँचने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं अंदर के रास्ते। मतलब बहुत अभी एक कम से कम एक आध किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, पहले नहीं था, पहले छोटा मंदिर था, अभी बहुत बड़ा हो गया है ना, तो मतलब घुमावदार हो गया। और देखिए कितना सुंदर, मतलब आजू बाजू से इतना अच्छा लग रहा था। महालक्ष्मी जगदम्बा का मंदिर है, माता सबकी मुरादें पूरा करे। मेरी भी मनोकामना है कि मेरे बड़े पापा अच्छे हो जाएँ, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, और मन थोड़ा सा दुखी होता है। अपने बड़े पापा हैं हमारे, पापा के जैसे हैं, तो थोड़ा सा मन वो हो जाता। और माता रानी उनको जल्दी से स्वस्थ करें। और ये देखिए हम लोग मंदिर पहुंच के आ गए, अभी अंदर जाएंगे तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये मेन गेट है, मतलब इधर से अंदर जाते हैं। और ये मंदिर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है, ये सब अभी नया बना है, पहले नहीं था, पहले थोड़ा सा वैसे ही था। गेट देखिए कितना बड़ा हो गया है। मैं और सुख पापा जा रहे हैं, और अभी ये रास्ते हैं मतलब थोड़ा सा, और लोग वापस दर्शन कर कर के आ रहे हैं। ये सब था आज का जो भी था। और देखिए वीडियो बनाते समय कितना हिल डुल रहा, ये सुबह का काम है। और इधर देखिए सिंदूर उंदूर का भी है, ये देखिए ये अंदर का है, बहुत अच्छा मतलब एकदम बन गया है, बहुत सुंदर लगता है, साफ़ सुथरा इतना है
मंदिर का पूछो मत, और आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए ये है, कितने सुंदर सुंदर कटिंग करके पौधे लगा के रखे हैं। पौधे बहुत सारा है और बहुत हरियाली, बहुत मतलब अच्छा लगता है। शाम को जाना तो लाइटिंग वाइटिंग चालू रहती है, एकदम मंदिर समझ लो कि एकदम मन खुश हो जाता है। और ये है माता का मंदिर, बहुत ही प्यारा बहुत सुंदर है। ये देखिए हम लोग जा रहे थे, इधर से जाना पड़ता है दर्शन के लिए, ये अंदर हम जा रहे हैं। और ये दर्शन वर्शन करके निकल आए थे तो पंडित जी ने हमको प्रसाद वसाद दिया था, मेरे लिए हमने चढ़ा दी। वो अंदर देवी के पास का वीडियो नहीं बनाने देते। और ये देखिए मैंने प्रसाद लिया था और मन थोड़ा सा शांत नहीं था मेरा, अच्छा नहीं लग रहा था। बस ऐसे ही अपने को तकलीफ होती है तो अपने को भी दर्द होता है, अच्छा नहीं लगता। और मन थोड़ा सा उदास था। देवी माता का दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और ये देखिए यहाँ पे मन्नत के लिए धागा बांधते हैं, तो मेरे नारियल में धागा नहीं था तो मैंने फिर वो चुनरी बांधी और मन्नत पूरी हो जाती तब फिर बताएंगे चुनरी बांध लूँगी। और फिर ये देखिए हम लोग धागा बांध के वहाँ से निकलेंगे और बहुत अच्छा है। और ये इधर आए हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे क्योंकि खाना खाने के लिए बोले चलो यहीं से खा लेते हैं, खाने का मन तो नहीं था लेकिन फिर भी बोले चलो अब घर में जाके क्या बनाएंगे। 9:30 बज गए थे रात के, तो यहाँ पे अच्छा 50 रुपये में बढ़िया खाना मिलता है और भर पेट चाहे जितनी बार खाओ। और हम लोग खा पी के नीचे जैसे ही आए तो आरती चालू हो गई थी और माता रानी की आरती चालू हो गई थी। तो बस पास से देवी जी को दिखाते हैं आप लोगों को। और ये देखिए हम वहाँ से मंदिर से निकल आए और अपने ब्लॉग का भी एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग ब्लॉग में, तब तक राधे राधे।